कोरिया जिले के चर्चा कॉलोनी में अवैध कब्जा हटाने पहुंचे एसईसीएल कर्मियों पर महिला के साथ हाथापाई करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि चर्चा विवेकानंद कॉलोनी के सामने कुछ लोग सड़क किनारे कब्जा कर दुकान संचालित कर रहे हैं, लेकिन एसईसीएल कर्मी केवल महिला को वहां से हटाने के लिए पहुंचे थे और इसी बात को लेकर एसईसीएल कर्मियों और महिला के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने दुकान में तोड़फोड़ करते हुए महिला को चोट भी पहुंचाई, जिसके बाद पीड़ित महिला मामले की शिकायत लेकर चर्चा थाना पहुंची। पुलिस महिला की शिकायत पर मामले की जांच कर रही है। कोरिया से विश्वास सिंह की रिपोर्ट। अच्छा, क्या क्या मामला क्या हुआ? मैं यहाँ जब से मैं रखी हूँ, मेरे ही वाला आके बार बार मेरे ही वाला तोड़ रहे हैं। अभी आए, मैं यहाँ बैठी थी दुकान खोल के कि अपना भाई रहेंगे, दो चार पैसा कमाएंगे, बाल बच्चा छोटा छोटा, तभी वो आया जबरदस्ती मेरे को पकड़ के। और उन लोग चार लोग गार्ड लोग थे, लखन गार्ड थे और जितेन यादव गार्ड रहा, और दो ठोर नहीं मेरे को नाम पता, और एक ठो लड़की थी औरत, वो मेरे को जबरदस्ती जितेन यादव गार्ड बोलता है कि इसको पकड़ो, दबाओ इसको जल्दी, तब वो लोग फाड़ने लगे मेरा बोरा पट्टी, जबकि मेरा बोरा पट्टी वो वाला है, क्या बोलते हैं, ऐसे ही चावल वावल वाला रखी हूँ।